उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि कुछ डिफरेंट टाइप की वीडियो है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ DIY गिफ्ट आइडिया शेयर करने वाली हूँ फॉर न्यू बॉर्न बेबी, या फिर आप इसको बेबी शावर पर भी गिफ्ट कर सकते हैं, जैसे आप चाहे। बहुत ही प्यारा सा क्लासी पीस लगता है, तो चलिए देख लेते हैं कि नैपी केक इसका नाम है। नैपी केक हमने किस तरह तैयार कर दिया, चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें तो पैम्पर चाहिए सबसे पहले, जो मेन है इसका, क्योंकि नैपी केक है, डेफिनेटली नैपीज चाहिए। पैम्पर ले लिए हैं, छोटे बड़े सब मिक्स हैं इसमें। कुछ आधे जो है ना नंबर 1 के हैं, जो सबसे छोटा साइज होता है, आधे जो हैं 2 और 3 के मिक्स हैं। और इसको सिक्योर करने के लिए हमें चाहिए कुछ रबर बैंड्स। तो चलिए अब हम इसको फोल्ड करना स्टार्ट करते हैं। जहाँ वाली साइड से, जिस साइड से पैम्पर खुलता है, उस वाली साइड से हमने इसको फोल्ड करना स्टार्ट करना है। इस तरह से एक रोल करना है और रबर बैंड के साथ सिक्योर कर देना है। ये सबसे छोटे साइज के साथ किया है, इसी तरह से एक बड़े साइज के साथ कर लूँगी। वहीं से जहाँ से पैम्पर खुलता है वहाँ से फोल्ड करेंगे, रबर बैंड के साथ सिक्योर करेंगे, एंड दैट्स इट। इसी तरह से हमने जितने भी लिए हैं 60-70 के करीब, सारों को फोल्ड कर लेंगे और फिर बाकी का काम उसके बाद। यहाँ पर आप देख लीजिए हमारे सारे पैम्पर जो हैं फोल्ड हो चुके हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड बॉक्स कार्डबोर्ड पीस लिया है। कोई भी आपके पास पार्सल आता है, आप उसका कार्टन लें, उसको इस तरह से प्लेट रख ली है मैंने। नॉर्मल गोल कट करना है, किसी भी चीज़ से गोल निशान लगाएं और उसको कट कर लें। इसके अलावा जो टिश्यू पेपर हम यूज़ करते हैं किचन वगैरह में, या कहीं पे भी जो सब बड़ा वाला रोल होता है, उसके अंदर से जब रोल ख़त्म हो जाता है, जो गत्ता निकलता है, वो हमने लिया है, 2 लिए हैं, और उसको इस तरह से मैं नीचे से कट कर लूँगी। रफली ही इस तरह से कट किया और इसको अब हम इस तरह से ऊपर को करते हुए इस तरह मोड़ लेंगे। और इस पर हम गम लगाकर इसको, जो सा हमने गोल कट करके रखा हुआ है कार्टन का पीस, उसके साथ हम इसको सिक्योर कर देंगे। जब ये स्टिक हो गया है, अब हमने जो पैम्पर्स लिए थे ना, जिनको फोल्ड करके रख लिया था, वो अब हम इस तरह से लगाना शुरू करेंगे इसके साथ साथ ही। ये देख लीजिए इस तरह से रफली रख ली है। इसको अब हम किसी भी पतले से रिबन के साथ जो है ना सिक्योर कर देंगे इधर। कोई भी आप रिबन ले लीजिए, कोई मोटा सा धागा ले लीजिए, कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर हमने दूसरा रिबन लगाना है। तो इसको सिर्फ हमने सिक्योर करने के लिए अभी यहाँ पर रफली ये ले लिया है और इसको हम इसके साथ बांध देंगे। और इसी तरह से अब हम दूसरी लेयर लगाएंगे, ये देख लीजिए। उसी के साथ साथ हम गोल गोल रखते जाएंगे और उसको भी इसी तरह से सिक्योर करते जाएंगे। और इसी तरह से ही हम पहले जो नीचे गोल हमने बनाया ना, वो वाला पूरा फिल कर लेंगे। ये देख लीजिए इस तरह से लगाते लगाते हमने जो है नीचे जोन सा गोल वाला लगाया था ना पीस काट कर, वो हमने पूरा पैम्पर्स के साथ फिल कर दिया हुआ है। ठीक है जी, अब हमने जो दूसरा टिश्यू पेपर वाला जो रोल लिया था गत्ते का, वो अब हमने इसके साथ लगाना है। और इसको अब हमने जो सा पहला वाला था ना, उसके अंदर डाल देना है। जितना भी आपका जाए उतना ठीक है, अगर आपका नहीं भी सही तरह से जा रहा, बिल्कुल थोड़ा सा आप इसके साथ अटका कर इसको टेप लगा दें, इस तरह से सिक्योर कर दें, जैसे भी आपको ठीक लगे। यहाँ पर भी हमने, जैसे हमने शुरू में नीचे लगाई थी लेयर, पहले छोटे थोड़े थोड़े से लगाए थे, फिर उसके बाद, और फिर उसके बाद बिल्कुल हमने भरते गए थे, इस तरह से हम लगाएंगे, सिक्योर करते जाएंगे। इस पे आप देख लीजिए फर्स्ट लेयर हो गई है, सेकंड लेयर लगाएंगे और इसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि अगर हम थर्ड लेयर लगाएंगे तो वो एक जैसा ही ऊपर तक आता जाएगा। तो मतलब हमने नीचे पहले ज़्यादा लेयर्स लगाई हैं, उससे ऊपर अब हम थोड़ी कम लेयर्स लगाएंगे।
दो लेयर्स लगाई हैं और यहाँ पर दो लेयर्स के बाद अब हमने इसको कंप्लीट किया है। इससे ऊपर जाएंगे और वहाँ पर अब हम एक लेयर लगाएंगे और बिल्कुल सेम मेथड से इसको लगा कर और सिक्योर कर देंगे। और ये हमारी लास्ट लेयर है और यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो गई है और बिल्कुल हमारा नैपी केक जो है वो ऑलमोस्ट तैयार है। ठीक है जी, अभी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बट अभी हम इसको थोड़ा सा मज़ीद प्यारा करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा हमारा ऊपर से गत्ता है इसको हम काटेंगे सबसे पहले। तो अब हम इसमें कुछ गिफ्ट्स अटैच करेंगे क्योंकि हमने बेबी को सिर्फ पैम्पर्स ही नहीं दे देने, कुछ चीज़ें और भी लेनी है। तो जो सी हमने लेनी है चीज़ें वो अब हम इसके अंदर लगाते जाएंगे। यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो एक भालू सा था उसको इस तरह से ऊपर लगा दिया, सबसे पहले ऊपर लगा दिया। टैग्स आप चाहें तो काट दीजिए क्योंकि वो इतने अच्छे नहीं लगते उसके साथ। और यहाँ पर ये लगा देने के बाद अब हम बाकी की कुछ चीज़ें हैं, इन चीज़ों में सारी वही चीज़ें हैं तकरीबन जो सी बेबी के लिए यूज़फुल हैं, ठीक है, उसके यूज़ में आएंगे। अब यहाँ पर अगर हम कोई पैकिंग यूज़ कर रहे हैं, पैकिंग रखने के लिए आपने उसको पहले से सिक्योर किया हुआ है पैम्पर को, तो आपने एक एक पैम्पर निकालते जाना है और उसकी जगह पर पैम्पर की जगह पर आपने ये डालते रहना। अगर आप शुरू में ऐसे करेंगे तो वो बिल्कुल भी सही से नहीं होगा। आप बेहतर है कि पहले एक लेयर पैम्पर की बनाएं उसके बाद एंड में ये चीज़ें लगाएं। तो अब जैसे हमारे पास एक फीडर था, फीडर जो है उसकी पैकिंग के साथ नहीं लग सकता, तो हमने पैकिंग खोली है उसके बाद एक पैम्पर निकाला है वहाँ से, उसकी जगह पर हम ये लगा देंगे। ठीक है जी, जौन सी बड़ी पैकिंग वाली चीज़ें थी वो हमने सारी नीचे जौन सी हमने लेयर बनाई थी उसमें लगा दी हैं। ठीक है, कुछ इसके बाद हमारे पास छोटी पैकिंग्स हैं जौन सी हमें कहीं हम बाहर जा रहे हैं या फिर सफ़र में हमें रखना पड़ता है बच्चों के साथ, तो वो वाली पैकिंग्स जो हैं वो वाली पैकिंग्स हमने ली हैं, बिल्कुल छोटी वाली हैं। ठीक है जी, उनको भी अब हम इसी तरह से, अगर हमारे पास कहीं पे जगह बनती है पैम्पर्स के साथ तो हम उसको वहीं पर अटैच कर देंगे, नहीं बनती है तो एक पैम्पर निकालना पड़ेगा। और इस तरह से चीज़ें लगाते जाएंगे, जितनी भी चीज़ें आपने इसके साथ लगानी है आप देख लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। और इस तरह से इसको हम लेयर्स में लगाते जाएंगे। सारी चीज़ें लगा लेने के बाद अब हमने एक रिबन लिया है, रिबन अब हमने वो लेना है जो सा हमने इसको फाइनल टच देने के लिए लगाना है। ठीक है जी, अगर आप बेबी गर्ल को दे रहे हैं तो आप कोई पिंक कलर का ले लीजिए वो अच्छा लगेगा, या फिर आप कोई भी जैसे आपको कलर्स पसंद है। बेबी बॉय के लिए बना रहे हैं तो इस तरह से ब्लू कलर ले लिया है और इस तरह इसको बो बना देनी है साथ में, जैसे जहाँ पर हमने वो जो सा रफ रिबन लगा कर उसको सिक्योर किया था उसको छुपा देना है और उसके ऊपर इसको हमने नॉर्मल से एक बो बनानी है और बस इसको सिक्योर कर देंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर हमारी वो भी बन गई है, प्यारा सा ये हो गया है। अब हम इसको रैप करेंगे, ट्रांसपेरेंट शीट ली है और उसमें अब हम इसको पैक करेंगे। इस तरह से शीट को बड़ा सा कट कर लीजिए और इसके दरमियान में हमने ये रख कर इसको ऊपर से प्यारे से रिबन के हेल्प से इसको सिक्योर कर दिया है। जो साइडें इसकी खुली हुई हैं उसको अब हम टेप की हेल्प से बंद कर देंगे और ब्यूटीफुल सा हमारा नैपी केक जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब आप देखें कि अगर आप किसी न्यूबॉर्न बेबी को पैम्पर्स का पैकेट और ये सारी चीज़ें जो हमने इसमें लगाई हैं इसी तरह एक सादे शॉपर में डाल कर देते तो वो उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता, और वही आप थोड़े से उसको क्राफ्ट में ले आएँ, कोई प्यारा सा इस तरह से कुछ बना लीजिए, देते हुए भी बहुत खूबसूरत लगता है और लेने वाले को भी अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ें जो हैं यूज़फुल हैं, तो फिर ज़रूर आप अब अगर किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। और वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।